सभी गेस्टिचर साथियों को नमस्कार। साथियों, क्या आपसे भी केस के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है? क्या आप भी केस के नाम पर पैसा देना चाह रहे हैं, या आप कंफ्यूज हैं पैसा दे या ना दे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आखिर सही क्या है, गलत क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने समझने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा केस के नाम पर। साथियों, भले पैसा आपका है, आप चाहे जिसे दें जहाँ लगाएं, लेकिन हमें सब कुछ पता होना चाहिए। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप पछताओ, अरे यार मैं भी पैसा लगा देता, मैं भी केस में अपना नाम डाल देता तो अच्छा रहता। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि यार काश मैं बच जाता तो अच्छा था। तो सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। उससे पहले हम केस और कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। गेस्टिचर के मामले में जो कोर्ट है वो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन देगा आपको। आपकी जानकारी के लिए, गेस्टिचर जो आज रिन्यूअल हो रहे हैं ना, वो कैट कोर्ट के डिसीजन के बाद ही ये हो रहा है। भले कुछ साथी ये कहेंगे कि सरकार जब तक ना चाहे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में कोर्ट के कई डिसीजन आए होते हैं, लेकिन सरकार और विभाग नहीं मानती। लेकिन ये अच्छा था कि कैट से डिसीजन आया कि भाई गेस्टिचर्स का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सबको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, और विभाग ने और सरकार ने भी इसे मान लिया। तो हम ये मान सकते हैं कि बेस कैट कोड का ऑर्डर ही था और तब से सभी गेस्टिचर साथी रिन्यूअल हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे महिला साथियों को मैटरनिटी लीव मिलती है, ये कोर्ट के डिसीजन से पहले नहीं था। भाई महिला गेस्टिचर्स को रिलीव होना पड़ता था, उनको 4-6 महीने सैलरी के लिए जूझना पड़ता था, लेकिन कोर्ट में केस डाला गया गेस्टिचर्स के ही द्वारा, और वो डिसीजन जब आया तो आज महिला साथी काफ़ी मतलब सुकून फील करते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आती है जब वो उनका मैटरनिटी पीरियड होता है। मतलब रिन्यूअल कोर्ट के थ्रू हो रहा है, मैटरनिटी का जो लाभ मिल रहा है वो कोर्ट के थ्रू है। साथ में आज जो सीनियर साथी जॉब पर बने हुए हैं, इसके लिए भी केस डाला गया था और रिजल्ट आपके सामने लिफो, जिसके अकॉर्डिंग जो सीनियर है वो ज्वाइन रहेगा और जूनियर परमानेंट के आने पे हटेगा। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में गेस्टिचर्स के मामले में कोर्ट का जो डिसीजन है वो हर टाइम पॉजिटिव आया है। और हाल ही में आपने देखा अदिति का जो मामला है, उसके बाद तो और केस के लिए कई सारे ग्रुप भी एक्टिव हो गए, कई सारे साथी एक्टिव हो गए। तो अदिति जो कि समान कार्य समान वेतन के लिए जिन्होंने केस डाला था और वो पॉजिटिव रहा, ये भी कैट का डिसीजन है। और कैट ने कहा कि भैया समान कार्य समान वेतन गेस्ट टीचर्स को दिया जाए, हालांकि गेस्ट टीचर को बोला है यानी कि अदिति को दिया जाए। अब यहाँ पर ही खेल शुरू होता है। कई सारे संगठन, कई सारे ग्रुप बन चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे साथी जुड़े हैं, और मुझे तक भी कई बार गेस्ट टीचर साथी पूछते हैं कि क्या पैसा देना चाहिए, क्या हम पैसा लगाएं, सर बताइए सही है कि गलत है। तो मैंने कहा भाई इंडिविजुअल एक दो को बताना उससे बेटर है कि मैं पब्लिकली आपको सबको क्लियर कर दूं कि आखिर मैटर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने रिन्यूअल के लिए केस डाला, हो सकता कुछ साथी कहेंगे हमने डाला, कुछ कहेंगे हमने नहीं डाला। अगर मैं आपसे पूछूं महिला साथियों को कि क्या मैटरनिटी के लिए आपने केस डाला, तो सेम आपको भी आपका ये जवाब होगा, कुछ कहेंगे हाँ भाई हमने तो प्रत्यक्ष रूप से डाला, और कुछ कहेंगे हमने कोई पैसा नहीं दिया। क्या आपने लिफो के लिए कोई पैसे दिए, तो इसमें भी सेम कुछ कहेंगे हमने दिए, कुछ कहेंगे हमने नहीं दिए। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब केस डाला जाता है तो वो कुछ ही डालते हैं, हालांकि जब सारे लोग मिलकर के केस डाले हैं तो अच्छा डिसीजन और बहुत जल्दी डिसीजन मिलता है, अच्छा वकील हायर हो जाता है, और जब अच्छा वकील हायर हो तो जल्दी ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो कैट में रिन्यूअल का केस डाला, वो भी कुछ परसेंट नहीं डाला कुछ साथियों ने, जो मैटरनिटी वाला केस था उसमें भी कुछ परसेंट गेस्ट टीचर्स ने केस डाला, और जो लिफो वाला मैटर था उसमें भी कुछ परसेंट टीचर्स ने डाला। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि केस कुछ ही लोगों ने डाला लेकिन उसका बेनिफिट सबको मिला। ये हालांकि गलत है भैया, जिन लोगों ने केस डाला उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाए, उन्होंने पापड़ बेले हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, तो मैं तो उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से, जिनके कारण रिन्यूअल हो रहे हैं, जिनके कारण मैटरनिटी लीव मिल रही है, और जिनके कारण लीफो में सीनियर साथी जॉब पे बने हुए, उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने केस डाला है और जिनका वो संगठन था। अब बात आ जाती है अब क्या हमें पैसा देना चाहिए। अभी अदिति के नाम से समान कार्य समान वेतन का डिसीजन आया, उसके बाद कई सारे साथी ये कह रहे हैं, कुछ साथियों का मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया कि जो अदिति हैं उसके नाम से वो कह रहे हैं कि भैया अब आप हमें हायर करो, मतलब हम आपका केस लड़ेंगे।
भाई ये तो कोई बात नहीं बनी, आदित्य के लिए डिसीजन आ गया। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, सिंपल सी बात है कि अब ये डिपार्टमेंट को और सरकार को कहा है कोर्ट ने कि भैया 3 महीने में इम्प्लीमेंट कीजिए, 3 महीने में समान कार्य समान वेतन दीजिए। और फिर से वही बात वाली बात आ जाती है, भाई भले एक गेस्ट टीचर्स ने केस डाला है लेकिन जितने भी उसी टाइप के सिमिलर होते हैं, मतलब आदिति जो जो मतलब उन्होंने आदिति ने जो जो चीज़ें फुलफिल की हैं, सेम अगर दूसरा गेस्ट टीचर्स भी कोई सेम कंडीशन फॉलो करता है तो उस पर भी ये ऑर्डर लागू हो जाता है और उसके लिए छोटा सा एक मामूली सा एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और कोर्ट कहता है कि भैया सेम एज ए फलाना के अकॉर्डिंग से कंसिडर किया जाए। तो सीधा सा मामला है कि अगर आदिति का होगा तो सबका होगा। अब यहाँ पर पैसा कहाँ लगाना वो समझना ज़रूरी है। क्या शिक्षा विभाग और सरकार इजीली समान कार्य समान वेतन को मान लेगी? एक को मानती है, एक का मानती है तो सबका मानना पड़ेगा। शायद डिपार्टमेंट या सरकार ऊपरी अदालत में जाए, तो ऊपरी अदालत में जाने के लिए वहाँ पर स्ट्रांगली केस डालना पड़ेगा ताकि वहाँ पर भी गेस्ट टीचर्स जीत जाएं, एंड श्योर है कि गेस्ट टीचर जीतेंगे ही जीतेंगे। तो अभी फ़िलहाल आदिति वाले केस में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, संगठन के साथ बने रहिए, संगठित रहिए, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे केस डाला जाएगा। फिलहाल समान कार्य समान वेतन के लिए केस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम कैट में ऑलरेडी जिसमें डिसीजन आ चुका है उसमें दोबारा से केस डालने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके साथ स्कैम हो रहा हो, आपको ठगा जा रहा हो पैसे के मामले में। अब आप किसको पैसे दे रहे हो, कितना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, भाई आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपसे पैसा कौन मांग रहा है और आपने उसे कितने पैसे दिए। तो एविडेंस के साथ बात करें नीचे कमेंट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे को संभाल के रखिए। इस पैसे को लगाया जाएगा अगर डिपार्टमेंट ऊपरी अदालत में जाता है तो, और अगर भाई निचली अदालत में कोर्ट का ऑर्डर डिपार्टमेंट ने मान लिया, चुनाव का भी समय है और चुनाव के समय से पहले अगर समान कार्य समान वेतन या कुछ सैलरी बढ़ोतरी में बम्पर कुछ हो जाए तो अपने आप अच्छी बात है। ये तो कोर्ट का भी ऑर्डर आया, सरकार भी वाहवाही लूट ले अपनी, तो ये थोड़ा सा कम भी लग रहा है और पॉसिबिलिटी भी है, चांस भी लग रहा है क्योंकि चुनाव का टाइम है। तो साथियों फ़िलहाल यही मैं आप लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई भी पैसा नहीं देना है, संगठित रहिए, ग्रुप बने हुए बहुत सारे सैलरी के मामले में, केस के मामले में उन ग्रुप में जुड़े रहिए। समय आएगा, समय आने पर केस डाला जाएगा, लेकिन कब और किसको देना है ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शेयरिंग कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी गेस्ट टीचर्स अवेयर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी के साथ भी कोई स्कैम ना हो, किसी के पैसों का कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि पीछे भी कई बार ऐसे फ्रॉड देखने को मिले। हालांकि कुछ केसेस को हम फ्रॉड ना कहें क्योंकि मैटरनिटी वाला केस सब बेनिफिट ले रहे हैं, लिफो के मामले में कई सीनियर साथी बेनिफिट ले रहे हैं, रिन्यूअल के मामले में तो सभी साथी बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन पैसा कुछ का ही लगा तो ये ना कहें कि फ्रॉड हुआ क्योंकि रिजल्ट तो मिला है ना कोर्ट से। बाकी धरने का क्या होगा इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करते हैं कि क्या कोर्ट से ही सारे डिसीजन आएंगे या धरने के बारे में भी सोचना चाहिए, ये हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। आपको क्या लगता है कि धरने से सब कुछ होगा या केस से सब कुछ हो जाएगा? अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।